आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सेगांव मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अमानवीय घटनाएं और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। भाजपा सरकार में आदिवासियों पर जिस तरह से अमानवीय घटनाएं घटित हो रही है उन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। विगत दिवस नीमच जिले के सिंगौली में कन्हैयालाल भील नाम के एक आदिवासी युवक को पहले तो बुरी तरह पीटा गया, बाद में उसे एक पिकअप वाहन से बांधकर घसीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना मानवता और प्रदेश के मस्तक पर कलंक है। इसके पूर्व में भी इंदौर, देवास, सतना में भी विभत्स घटनाएं हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। खूंखार अपराधियों में सरकार को लेस मात्र भी भय नहीं है। आए दिन सरकार की नाक के नीचे अपराधी संगीन अपराध कर दफा हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लाचार हैं। अतः माननीय उक्त घटनाओं के खिलाफ घोर निंदा करते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषियों को दंडित किया जावे। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस के आह्वान पर लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों, दलितों और मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है, इसके विरोध में भगवानपुरा विधानसभा यूथ कांग्रेस की ओर से महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। मैं प्रतीक सिंह पवार, AICC।